भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजादी के अमृत महोत्सव में संपूर्ण देश के अंदर हम इस उत्साह और मन को एक संकल्प के रूप में बना रहे हैं और ये संकल्प रैली हमारे विविधताओं को जोड़ने वाली राष्ट्रीय एकता रैली सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज के व्यक्तियों का कल्याण करना, अभाव वंचित लोगों के सेवा करना, ये रोटरी क्लब इंटरनेशनल का पूरे विश्व के अंदर अपना दायित्व निभाते हैं। कोटा की अध्यक्षा श्रीमती वैशाली भार्गव जी, हमारे मित्र मुकेश व्यास जी, प्रद्युमन पाटनी जी, पूर्व विधायक पूनम गोयल जी, सभी रोटेरियन भाइयों और बहनों और विशेष रूप से कोटा व धरती है जहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं और जिस उत्साह उमंग के साथ हमारे नए भविष्य के अंदर, हमारे नए नौजवानों के अंदर जो मैं देखता हूं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उत्साह है, आने वाले इन्हीं नौजवानों के सपनों से भारत बनेगा। साथियों, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। हमने आजादी के बाद हमारी लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा 75 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन जब आजादी का उत्सव मना रहे हैं तो हमारे अतीत को भी याद कर रहे हैं। किस तरीके से एक लंबी लड़ाई इस आजादी के लिए लड़ाई गई, देश के अंदर लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, कई हमारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी जिनका नाम न उस समय की पीढ़ी जानती थी न अभी पीढ़ी जानती थी, लेकिन उनके मन में इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण था। जब हम हमारे गौरवशाली अतीत को पढ़ते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो मैं लगता है कि इस 18-19-22 साल का नौजवान जिसके मन में एक जज्बा था, एक संकल्प था, एक आजाद भारत कराने का एक दृढ़ निश्चय था, और उसी दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, कई परिवारों ने पूरा का पूरा परिवार ही देश और राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। आज जब उन आजादी सेनानियों का स्मरण करते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती, नई शक्ति मिलती, कार्य करने की नई प्रेरणा मिलती, और आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता, नई मेहनत से काम करने का जो उत्सव है। इस 75 साल की यात्रा का एक लंबा समय रहा है। इस 75 साल की यात्रा में भारत ने बहुत प्रगति की है, देश आगे बढ़ा है, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं। हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन लोगों का, जवानों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने बड़े थे। अब समय आ गया उन सपनों को पूरा करने का, और जो आजादी का अमृत काल का ये कालखंड है, जब आजादी के हमारे 100 साल हो, उस कालखंड में हम और जीवटता से, और कड़ी मेहनत, और प्रतिबद्धता, और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा से काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो एक नई शक्ति, नई ताकत, नई उमंग आती है, और ये तिरंगा रैली
ये तिरंगा हमारी देश की आन शान का प्रतीक है। जब नौजवान या देश पर खड़ा सेनानी या किसान पर खड़ा हो, वो किसान, गांव में खड़ा मजदूर, पढ़ने वाला नौजवान, देश का हर व्यक्ति जब तिरंगा उठाता है तो उस पर अपने आप में बहुत गौरव आन बान शान का होता है और उसके मन में कहीं ना कहीं देश के प्रति राष्ट्र प्रति भावना जागृत होती है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम सबको स्वर्णिम भारत बनाना है, नए भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे नौजवानों की ताकत, शक्ति, बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नया इनोवेटिविटी, अगर ऐसा भारत बनाना है तो हमें सामूहिकता से काम करना होगा। और मैं देखता हूं कि रोटरी क्लब और कितने ही समाज की ऐसी संस्थाएं हैं जो जिंदगी के अंदर सामूहिकता के साथ काम करती हैं, अपना समय, अपना धर्म समाज के अभाव वंचित गरीब लोगों के लगाता है और यही हमारी सामूहिकता की शक्ति है। जब देश के 130 करोड़ लोग सामूहिकता के साथ काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो हम स्वर्णिम भारत को बना पाएंगे। और इसीलिए स्वर्णिम भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम नए भारत को बनाएंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे, प्रतिबद्धता से मेहनत करेंगे, जीवंत तरीके से मेहनत करेंगे, सामूहिकता से मेहनत करेंगे और देश मेरे लिए सब कुछ है इस भावना से काम करेंगे तो नए भारत को निर्माण करवाएंगे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब अपने अपने प्रतिष्ठानों पे, अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं और राष्ट्रगान करें और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से नए भारत के सपनों को पूरा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।